आज है 22 मई यानी कि एज कजन का बर्थडे। तो यार एज के बर्थडे के ऊपर आप एज को सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हो इस वीडियो पे 22 के लाइक करने का। 22 के लाइक ही क्यों, बिकॉज उसका बर्थडे 22 मई को आता है। मुझे नहीं पता कि कैसे करोगे, आई डोंट नो, पर तुम्हें किसी भी हालत में एज का ये सपना पूरा करना ही पड़ेगा। बिकॉज एज कजन जब ये वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि हाँ मेरे भी फैन है, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना हैप्पी बर्थडे एज कजन। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल वीडियो में एज कजन के चाइल्डहुड के बारे में, कि उसका बचपन कैसा था, उसके बचपन से जुड़ी हुई ऐसी यार इमोशनल कहानी और अच्छी कहानी, मोटिवेटिंग कहानी के बारे में तुम्हें बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा एज कजन से जुड़े हुए जो कि तुमने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं आपको लाइफ लेसन भी बताऊंगा जो कि आप एज कजन से सीख सकते हो। तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर देना, इसका बर्थडे है, मजे मजे में सब्सक्राइब कर दो। आने वाले एलोला का चैंपियन और मास्टर एट का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी एज कजन का जन्म होता है 22 मई 1997 को, जहाँ पे 6 महीने के बाद उसके फादर जो होते हैं अचानक से गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे गए, यहाँ तक कि डेलिया कजन यानी कि एज की मोम को भी नहीं पता कहाँ पे गए। डेट्स वाई यार एज कजन की मोम को, डेलिया कजन को समाज ने, सोसाइटी ने काफ़ी ताने मारे, बोला क्या तेरा पति भगोड़ा, धोखेबाज, निकल के भाग गया। तो डेट्स वाई एज की मोम ने तो उनको इग्नोर किया, बिकॉज एज की मोम को पता है लोग है, लोगों का काम है कहना। लेकिन यार जैसे जैसे एज बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, स्कूल में उसके फ्रेंड्स, टीचर ने, सब ने एज कजन को धमकाया, डराया और यार मजाक उड़ाया, बोला तेरे फादर ऐसा भाग गया, मतलब यार किसी को नहीं पता कि वह कहाँ पे गया। लेकिन जब कभी भी एज कजन पूछता था कि मेरे फादर कहाँ गए, तो डेलिया कजन बोलती थी कि यार तुम्हारे फादर जो है पोकेमोन मास्टर बनने के लिए गए, और एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े पोकेमोन मास्टर बनेंगे। लेकिन जब एज कभी भी स्कूल में बुली होता था, मतलब यार लोग उसको मारते थे, तो यार एज कजन घर पर आकर रोता था, बोलता था मोम से कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो यार एज की मोम ने यार इस मैटर को सोल्व कर लिया स्कूल में जाके। लेकिन यार एज कजन जो बंदा है ना, वो यार थोड़ा सा गरीब था बचपन से, बिकॉज यार सिर्फ और सिर्फ डेलिया कजन जो है एज का ध्यान रख रही थी। लेकिन यार डेलिया कजन ने हमेशा से एज की हर एक इच्छा को पूरा किया। एज कजन यार जब कभी भी बोलता था कि यार मुझे ये चाहिए, तो वो दिला देती थी। अगर एज कजन बोलता था मुझे सब्सक्राइब करना है गुरुजी के चैनल को, तो सब्सक्राइब भी करा देती थी। बट कोई नहीं, हमेशा डेलिया कजन ने एज की हर एक बात मानी। डेट्स व्हाई वो थोड़ा सा शरारती बच्चा बन गया, लाइक सिंचेन। जिस तरीके से सिंचेन हमेशा मस्ती करता है, उसी तरीके से एज कजन भी मस्ती करता था। लेकिन एज कजन थोड़ा सा बोला था, मतलब हर किसी की बातों में आ जाता था। अगर तुम उसके पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे 20 रुपये दे, गुरुजी को सुपर चैट करूंगा, तो 20 रुपये दे भी देगा, इतना बोला था। लेकिन यार डेलिया कजन जो थी वो रेस्टोरेंट चलाती थी, बिकॉज यार उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसका सपना था कि वो मॉडल बने, लेकिन मॉडल नहीं बन पाई, बिकॉज एज की परवरिश करनी थी। खासकर इसके फादर भाग गए थे घर से, मतलब निकल गए थे, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे गए। उसके कारण डेलिया कजन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। और धीरे धीरे डेलिया कजन जो है प्रोफेसर ओक से मिली, यानी कि रेस्टोरेंट था, तो प्रोफेसर ओक कभी कभी एज की मोम के घर पे आया करते थे खाना खाने के लिए। और एज कजन भी कभी कभी प्रोफेसर ओक से मिलता था, ज़्यादा प्रोफेसर ओक को जानता नहीं था। बट धीरे धीरे यार एज कजन जो है ओक को भी नहीं जानता था, और गैरी को भी नहीं जानता था। बिकॉज यार तुम्हें लग रहा होगा कि एज भी स्कूल जाता है, गैरी भी स्कूल जाता है, तो दोनों एक ही स्कूल में होने चाहिए। लेकिन नहीं, गैरी थोड़ा हाई स्कूल में जाता था, बिकॉज यार वो थोड़ा हाई लेवल का था, हाई स्टेटस था, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था। दैट्स व्हाई यार वो छोटे मोटे स्कूलों में नहीं जाएगा, वो बड़ी स्कूलों में जाएगा। उसमें घमंड था कि मेरे ग्रैंडफादर जो है दुनिया के सबसे फेमस प्रोफेसर है, मेरे फादर मेयर है, वो खुद को यार सबसे ज़्यादा अमीर बिगड़ा हुआ मानता था। दैट्स व्हाई वो एज को भी हर कुछ बोलता था, एज को एसी बॉय, अभी भी वो वही बोलता है, अब तो सुधर गया है। धीरे धीरे यार वो एज से भी अच्छे से बात करने लगा, दोनों फैमिलीज प्रोफेसरों की, एज कजन की और मोली की, जिसको हमने पोकेमोन की थर्ड मूवी अनोन के तेलका में देखा था, स्पेल ऑफ अनोन में देखा था। इन तीनों की फैमिली काफ़ी अच्छी तरीके से साथ में रहने लगी थी, और कभी कभी तो हमारे गैरियों और एज कजन साथ में मूवी भी देखने जाया करते थे। बता रहा हूँ कि जी देख रहे हैं ये जो को साइड में रखे, तो हाँ इनका बचपन ऐसा था। आप लोग सोच सकते हो ना एज का बचपन कितना यार उतार चढ़ाव वाला था। फादर चले गए, ताने मारे, अच्छे फ्रेंड बने, लेकिन फ्रेंड भी बना घेरियों जैसा, जो कि यार भाई साहब यार उसको बार बार परेशान करता है। बट कोई नहीं, फिर जैसे जैसे एज कजन बड़ा हुआ, उसको पोकेमोन में इंटरेस्ट आया, वो स्टडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, बिकॉज उसको पढ़ना पसंद नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पसंद है। पोकेमोन के बारे में पढ़ने में क्या मज़ा आता है, पोकेमोन के बारे में देखने में, रियल काम करने में मज़ा आता है।
जाता है। तो डेट्स व्हाई डेलिया किचन भी यार इसकी हर एक बात मानती थी। सो डेट्स व्हाई डेलिया किचन ने कभी भी इसको रोका नहीं, जो इसने चाहा वो उसको मिल गया। और फिर एक दिन तो यार एक जिद करता है मुझे समर कैंप में जाना है, तो यार एस की मोम भी जैसे तैसे इसको बोलती है हाँ भाई जा। और फिर यार सुबह वो लेट हो जाता है, सोता रहता है और समर कैंप के लिए लेट हो जाता है और रोने लग जाता है। बच्चा है, बालक है, रोएगा तो है ही, लेकिन यार अगले साल वापस समर कैंप में जाने की जिद करता है और एसकी मोम इस बार जाने देती है। लेकिन ये वाला समर कैंप थोड़ा सा स्पेशल था, अगर पिछले वाले समर कैंप में चला जाता तो भाई साहब गो से मुलाकात हो जाती, बचपन ही मनुष्यत में बीतता। बट कोई नहीं, फिर यार इस वाले समर कैंप में वो सरीना से मिलता है, जंगल में खो जाता है, पोकेमोन एस की जान बचाते हैं। इसी मोमेंट में इसी जगह यार एस किस्म को पोकेमोन से और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है, और उधर एस किस्म जैसे ही सरीना को बचाता है सरीना को एस किस्म से प्यार हो जाता है। आय हाय बचपन में लव स्टोरी चल रही है, ऐसा बचपन खाली एनिमे में हो सकता है, असल जिंदगी में नहीं। बट कोई नहीं, फिर ऐसे जैसे एस किस्म और भी बड़ा होता है, वो 10 साल का होने वाला होता है, तो यार वो डिसाइड करता है कि अब अपन जाएगा जर्नी पे। और अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 1 महीने के अंदर उसको नया पोकेमोन मिलेगा, और वो ऐसे ही मज़े में फिशिंग करने जाता है। सामने उसका फ्रेंड और थोड़ा सा नोकजो वाला फ्रेंड आता है गेरियोक, और दोनों फिशिंग करते हैं, एक पोकेबॉल का चारा आता है, दोनों फाइट करते हैं, पोकेबॉल मेरी एक किस्म की नई नई गेरियोक की, ऐसा फाइट करते हैं। सो डेट्स वाई यार दोनों में झगड़ा होता है, हाथापाई होती है और दोनों काफ़ी पक्के वाले राइवल बन जाते हैं। और अब यार 20 दिन बीत चुके हैं, अब 10 दिन ही बचे हैं पोकेमोन मास्टर की जर्नी शुरू करने के लिए। तो एक किस्म जो होता है ना अपना आइकॉनिक विंग पोज को यार प्रैक्टिस करने के लिए पूरे के पूरे 10 दिन लगा देता है। और यार वो अपने स्टार्टर पोकेमोन के निकनेम भी सोच लेता है कि मुझे बल्बासुर मिला तो उसका नाम क्या रखूँगा, स्क्वाडल मिला तो नाम क्या रखूँगा। लेकिन यार पता नहीं उसको यार कोई भी स्टार्टर पोकेमोन मिलता नहीं है, उसको पिकाचू मिल जाता है। लकीली अच्छी बात है उसको पिकाचू मिल गया, बिकॉज यार पिकाचू सबसे ओपी। स्टोरी में एक किस्म आगे क्या करता है तुम्हें भी पता है, मतलब यार वो केंटो जोटो होविन सिनो इनोवा केलोस हार जाता है और एलोला में जाकर चैंपियन बन जाता है, ग्ला लीग में जाता नहीं है, डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाता है, फाइनल में लियोन से मुकाबला कर रहा है। तो ये थी इसकी आइकॉनिक वर्ल्ड क्लास सुपर क्लास स्टोरी। लेकिन वीडियो एंड नहीं हुआ है, वीडियो की मेन बात तो अब बाकी है कि हम एस की जर्नी से क्या सीख ले सकते हैं। नंबर 10, ऑलवेज बी किड एंड इनोसेंट, हमेशा बच्चे बने रहो और यार इनोसेंट रहो, ताकि यार आप सब कुछ चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व कर सको। एस किस्म भले ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, वर्ल्ड चैंपियन में आ चुका है, बट फिर भी वो यार बच्चे का बच्चा है, डेट्स व्हाई उसको हम लोग पसंद करते हैं। क्या पता तुम बच्चे बनो तुम्हें भी कोई पसंद कर ले। नंबर 9, नेवर रिमेन बैक वाइल हेल्पिंग अदर्स, हमेशा दूसरों की हेल्प करो जैसे कि एस किस्म करता है, बिकॉज अच्छा करोगे तभी अच्छा पाओगे। नंबर 8, गेटिंग लॉस कुड बी बेनिफिशियल, जैसे कि एस किस्म हारता है और यार वो हार से सीखता है और उसके लिए बेनिफिशियल भी होता है, तो अपनी हार से सीखो, उससे भागो मत। नंबर 7, इंजॉय योर लाइफ, एस की तरह अपनी लाइफ को इंजॉय करो और साथ में यहाँ पर गोल पे फोकस रखो। नंबर 6, नेवर स्टॉप एट गेटिंग वन थिंग, कभी भी एक चीज़ मिल जाने के बाद यार रुक मत जाओ, दूसरी चीज़ के लिए संघर्ष करो। जैसे कि एस किस्म यार पोकेमोन चैंपियन बन गया एलोला का, वो रुका नहीं, वो गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नंबर 5, अपने एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक से सीखो, जैसे कि एस किस्म सीखता है, वो जो मिस्टेक करता है दोबारा नहीं करता है, कभी कभी कर देता है वो अलग बात है। नंबर 4, ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू, हमेशा कुछ नया सीखने का ट्राई करो, एस किस्म यार नए नए पोकेमोन को कैच करता है और उनके बारे में जानता है। नंबर 3, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एस का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना सबसे अच्छा है, अगर तुम चीज़ों को नेगेटिव तौर पे देखोगे तो तुम्हें सब कुछ नेगेटिव लगेगा, अगर एज की तरह पॉजिटिव देखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव है सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, ऑलवेज ट्राई न्यू एंड यूनिक, हमेशा कुछ नया ट्राई करो, यूनिक ट्राई करो, जैसे कि एज किस्म करता है, वो चैलेंजिंग चीज़ों को अपने सामने लेता है और उनको पूरा करता है, वैसा तुम्हें भी करना चाहिए। नंबर 1, नेवर गिव अप, गिव अप कभी मत करो यार, एज किस्म इतनी लीग हारा उसने कभी हार नहीं मानी, अगर जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे तो जरूर से सक्सेसफुल बनोगे। अब एक बोनस लेसन, गुरुजी को सब्सक्राइब करो, पोके क्विज का आंसर दो, बाय बाय।